चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां पर कल मैराथन बैठक के बाद सरकार और किसानों के बीच चार में से दो मुद्दों पर सहमति बन गई है। कल सातवें दौर की बातचीत हुई है, जिसके बाद यह अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर चार में से दो मुद्दों पर सहमति बन गई है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन अभी भी दो मुद्दों पर चर्चा बाकी है और अब अगली बातचीत, अगली मीटिंग 4 जनवरी को होगी, जहां कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग जो कि किसानों की तरफ से की जा रही थी और पहले नंबर पर यह मांग लगातार किसान रख रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ एमएसपी पर लिखित आश्वासन चाहते हैं किसान, जिस पर अब 4 जनवरी को बात होगी। लेकिन जिन दो मुद्दों पर बात बन गई है उसमें सबसे पहला मुद्दा पराली कानून है, तो वहीं दूसरा मुद्दा बिजली बिल संशोधन, जो बिल था उसे वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही थी, इस बिल को वापस लेने की बात पर सरकार राजी हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदूषण अध्यादेश और बिजली बिल पर सहमति बन गई है, अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं, उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए, सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा, किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई है और इस बीच मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर से आया खाना भी खाया है। गुरुद्वारे के लंगर से यह खाना लाया गया था जिसे यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी चखा गया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लंगर से आया हुआ खाना चखा। सरकार और किसानों के बीच में ये बैठक हुई थी और इस बीच कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई है। 40 किसान संगठनों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था और वार्ता के बीच जो लंच ब्रेक हुआ उसमें किसानों के लिए लंगर से जो खाना आया उसे मंत्रियों ने भी चखा है। हमारी कोशिश है कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में जैसे पहले हुई हो और निर्णायक हो, लोग अपने घरों में जाएं, नए साल में नई सोच हो, नए ढंग से अपने घरों में जो खुशियां मनाए जाकर, ये हमारी सोच होगी। खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो और लोग अपने घरों को जाएं। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी।